अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्स्ट दोस्ती वीडियोस। टॉप 10 थिंग्स यू शुड नो अबाउट बजट 2024। फाइनेंस बिल 2024 आ चुका है, काफ़ी बातें हो चुकी हैं इस लिस्ट में। इस वीडियो में तो हम नंबर 7 आइटम देखेंगे, लेकिन अगर आपने सारे 1, 2, 3, 4 देखने हैं तो इस वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट है फाइनेंस बिल एक्ट 2024, उसमें आप हमारी इंडिविजुअल वीडियोज़ देख सकते हैं। और ज़्यादातर अभी तक इस वीडियो से पहले हम फाइलर्स के लिए बात करते रहे, और काफ़ी हमारे व्यूअर्स परेशान हुए हैं कि फॉरेन बैन के हवाले से जो बात हुई है, फिर पेट्रोलियम लेवी के हवाले से बात हुई है, फिर जो लोग अभी 2023 की फाइलिंग जिन्होंने नहीं की उनके पास थोड़े से दिन रह गए वरना वो लेट फाइलर्स हो जाएंगे। स्मॉल बिजनेसेस से इस दफ़ा चूँकि टैक्स बहुत लेना है तो उनके लिए एडिशनल पेनल्टीज़ हैं। सेल्स टैक्स में जो लोग इनएक्टिव हैं उनको काफ़ी हरास करना जी। तो नंबर 6 तक हम ज़्यादातर फाइलर्स की बात करते रहे कि जो है मोबाइल फ़ोन्स पर महंगे वाले और सस्ते वाले को एक ही टैक्स देना। आज हम बात करेंगे नॉन फाइलर्स के हवाले से। नंबर 7 पे आपको क्या बात पता होनी चाहिए जो आपके टैक्सेस को अफेक्ट करेगी। अब नॉन फाइलर्स में मज़े की बात यह है कि मेजॉरिटी यानी कि 22 से 23 करोड़ लोग जो हैं वो एक तरह से नॉन फाइलर्स एफबीआर के हिसाब से हैं। वैसे तो नॉन फाइलर वो होता है जिसकी इनकम होती है और उसने रिटर्न फाइल नहीं की होती, लेकिन जो इसमें मेजॉरिटी लोग आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, सीनियर लोग आते हैं, हाउसवाइफ्स आते हैं जिनकी इनकम नहीं है, उन लोगों को नॉन फाइलर करता है। और सबसे ज़्यादा टैक्स जो कलेक्ट होता है वो इंटरनेट और टेलीफोन के बिलों पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज कलेक्ट होता है। तो आज नंबर 7 पर जो बात आपको पता होनी चाहिए, बजट 2024 फाइनेंस बिल 2024 प्रपोज कर रहा है कि विदहोल्डिंग टैक्सेस ऑन टेलीफोन और इंटरनेट बढ़ा दिए जाएँ नॉन फाइलर के लिए, और इस तरीके से बढ़ाए जाए कि वो बेसिकली वायलेशन कर रहे हैं आपके फंडामेंटल राइट्स के लिए। वो बजट में प्रपोज्ड है कि अगर आप नॉन फाइलर हैं और आपका 1000 टेलीफोन का बिल आता है तो आप इस पे पहले 1000 पर 150 रुपए टैक्स देते थे, अब वो आपसे 15% के बजाय 150 के बजाय 75% ऑफ योर बिल, जितना भी आपका टोटल बिल होगा, ग्रॉस बिल होगा 1000 सपोज करें टेलीफोन का, तो उस पर आपको 750 रुपये एज विदहोल्डिंग टैक्स पे करना होगा। चूंकि आप नॉन फाइलर हैं तो ये पैसे वापस भी नहीं होंगे, ये पैसे जो हैं गवर्नमेंट के ट्रेजरी में चले जाएंगे। तो 75% की विदहोल्डिंग टैक्स रेट प्रपोज्ड है उस चीज़ पर जो एक नेसेसिटी से भी ज़्यादा होगी, यानी टेलीफोन और इंटरनेट। अगर आपका 100 रुपये बिल आता है तो उस हिसाब से आप देख लें उस पर 75 रुपीज़ होगा, 10,000 आता है तो 7,500, यानी जितना भी बिल आएगा उसका 75% जो है आपको पे करना होगा। और इंटरनेट चूँकि काफ़ी एक्सपेंसिव है, मैं खुद 4,000 पर मंथ स्टॉम फाइबर का पे करता हूँ तो उस पर मैं 600 रुपीज़ 15% के हिसाब से पे करता हूँ। आप एज ए नॉन फाइलर आप 4,000 के बिल पे 3,000 रुपये, आपने पहले सुना था कभी ऐसा, 4,000 रुपये के बिल पे 3,000 रुपये का टैक्स आप देंगे और आपका मंथली बिल 7,000 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी लाखों में चला जाएगा। नॉर्मल रेट 15% है, वो फाइलर के लिए मौजूद रहेगा, और लेट फाइलर और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए 75% ये हो जाएगा। ये एक्सट्रीम इन्फ्लेशन यानी कि ये वो चीज़ है कि 200 मिलियन यूज़र्स हैं हमारे पास फ़ोन के और 100 मिलियन हमारे पास इंटरनेट के, तो चाहे आप 10 रुपये बिल आ रहा है, 1,000 रुपये आ रहा है, 1,00,000 रुपये आ रहा है। और सोचे इससे आईटी फ्रीलांसर्स जिनका मेन इनपुट जो है वो टेलीफोन और इंटरनेट होता है उसके चार्जेस किधर तक चले जाएंगे। ठीक है वो फाइलर होते हैं लेकिन किसी भी वजह से अगर उनका कंसल्टेंट की गलती की वजह से या वो खुद इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे तो उनका इंटरनेट बिल कहां से कहां चला जाएगा, और उनकी टैक्सेशन जो है इतना टैक्स तो शायद उनको टैक्स नेट में आने के बाद पे ना करना पड़े जितना टैक्स अब कलेक्ट कर रहे। इसी तरह ये जो नॉन फाइलर्स हैं, सपोज कर एक हाउस वाइफ है उनके नाम पे टेलीफोन बिल है, पूरा एक मालिक मकान है उसके नाम पे है, आपके नाम पे नहीं है, एक तो टेलीफोन बिल और इंटरनेट बिल इतना ज़्यादा आएगा और फिर आपके नाम पे नहीं है तो आप क्लेम नहीं कर सकेंगे, तो आपकी जेब से
जहाँ 4,600 खर्च होते थे इंटरनेट पर, वह 7,000 रुपये खर्च होंगे, या टेलीफोन में 1,000 जहाँ खर्च होता था वह अब आपसे 2,000 के करीब खर्च होंगे, और वो आप शायद एज ए फाइलर भी क्लेम ना कर सकें क्योंकि वो किसी और के नाम पर होंगे या फैमिली के किसी ऐसे मेंबर जिसको फाइलर होने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉन फाइलर की कैटेगरी में आएगा, तो रेट्स होंगे 75% टैक्स विदहोल्डिंग जो है आपसे ले रहे हैं, और आप खामोशी से सुनेंगे और कहेंगे कि बिल्कुल इसको 100% होना चाहिए। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त, टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।